चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेके। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इस चैनल पर पूरा कवर करवाया जाएगा, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ में आप लोग जैसे ही इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी प्रीवियस पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लीनियर एलजेब्रा को लेकर, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। आप लोगों को उसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही साथ में जितना भी इसका कंटेंट होगा, ये जो क्लास नोट्स है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को एक से दो बार देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी एक पकड़ बन जाएगी इन चैप्टर्स को लेके, ताकि एग्जाम के अंदर में जब भी क्वेश्चन आए आप उसको टिक करके आ जाओ, राइट जो ऑप्शन हो वहां पर टिक कर दो। ठीक है, तो भाई मैं शुरुआत करता हूँ लीनियर एलजेब्रा को लेकर। तो लीनियर एलजेब्रा जो है उसके अंदर में पहला टॉपिक आता है मैट्रिसेस का, और मैट्रिक्स के अंदर देखिए, मैं आपने इंजीनियरिंग के अंदर में सब कुछ पढ़ रखा है भाई, लेकिन मैं इंजीनियरिंग पूरी यहाँ पर कवर नहीं करवा रहा हूँ। जो आपके एग्जाम के लिए वो चीज़ें यहाँ पर मैं आप रिलीवेंट है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं, और ये पूरा जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं मैट्रिसेस को लेके। मैट्रिसेस की बात करें तो इसका जो बेस है वो डिटरमिनेंट से शुरू होता है। डिटरमिनेंट इसका बेस है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है कि आपके पास में एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी आप लोगों के पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैं बात करूं कि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ऐसे लिख दिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद कर दिया। तो जब भी आप 2x2 का निकालते हैं, 2x2 मतलब दो रो हैं और दो ही उसके अंदर में कॉलम है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई है। तो इसका निकालने के लिए कैसे करोगे? इसको जो उसका कोफैक्टर उससे मल्टीप्लाई करोगे ए डी माइनस जो इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके कोफैक्टर के साथ में बी सी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या होगी? उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका? डिटरमिनेंट का, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो नींव है वो भाई उसके डिटरमिनेंट से शुरू होती है। मैं अभी आपको प्रीवियस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो करूंगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं 3x3 की मैट्रिक्स को निकालने का तरीका। देखो 3x3 की मैट्रिक्स का आपने जब कॉलेज के अंदर में थे या फिर आपने 12th के अंदर में पढ़ा होगा इनके बारे में, तो वहां पर आप लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करते थे जो कि बहुत लेंदी पड़ जाता था। ठीक है, आप क्या करते थे, इस एलिमेंट को उठाया, बाकी इस रो को छोड़ गए, इस कॉलम को छोड़ गए, जो बच गए उनके कोफैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर दूसरे स्टेप को ऐसे इसको भूल जाते थे, ये बच गए इनको करते थे, फिर तीसरे में क्या करते थे, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, ये वाला बाहर रहेगा जो इसका एलिमेंट है, और अंदर वाले जो है इनके कोफैक्टर्स के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो बड़ा लेंदी हो जाता था। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर लोगे बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, आप विद इन सेकंड इसको फाइंड आउट कर लोगे, तो उसकी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ में यहाँ डिस्कस करूंगा। मान लो ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स थी जिसका आप लोगों ने अपने लॉन्ग मेथड के थ्रू जो था उसका जो डिटरमिनेंट निकाला वो 24 निकाला। अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से समझना भाई, एक एक स्टेप उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा भी ऊपर नीचे कर दिया तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैं इस मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखता हूँ, जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ 1 5 3 1 1 7, ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया भाई। अब अगला स्टेप जो है उसके अंदर में क्या करना है, जो पहले दो कॉलम है ना भाई, ये दो कॉलम है, इनको आप दोबारा से रिपीट कर दो 1 1 1 1 5 3। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर में भी क्या कर रखा है, देखो वही चीज़ें थी 1 1 1, और ये वो सेम मैट्रिक्स थी, इसी में पहला कॉलम मैंने रिपीट किया और सेकंड कॉलम था उसको रिपीट कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना भाई, अब आपको डायगोनली चलना है, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो तीन एलिमेंट उसके डायगोनल में आना चाहिए, उसी डायगोनल को हम कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। तो जैसे आपने यहाँ से पकड़ा एक को, एक से चले पाँच पर, 1 to 5, 5 to 7, तो बिल्कुल एक एलिमेंट आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख लो भाई 35 लिख लिया आप लोगों ने। फिर आप दूसरे एलिमेंट को उठाओ, दूसरे से डायगोनल क्रॉस करो 1 1, और ये मेरे पास में 1, तो इसको करेंगे तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर हम तीसरे एलिमेंट को उठाते हैं 1 1 3, तो यहाँ पर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, टोटल सम अप कर लो आपके पास में 39 आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर में दूसरा स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप आपको लोअर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ में आते हुए करना है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चलते हुए। चलो देखो इस एलिमेंट को उठाओ, नीचे बेस वाला जो एलिमेंट है 1 5 1, करना क्या है, सेम वही काम करना आपको, यहाँ से भी आपका डायगोनल पे चलना है। तो आपने किया 1 5 1 का मल्टीप्लीकेशन, 5 आ गया, लिख दिया भाई। फिर बात करें 3 1 1 3 आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर 7 1 1 इसका मल्टीप्लीकेशन 7, आप यहाँ पे सम अप कर लो। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में के अंदर में क्या करोगे आप लोग, देखो अभी फर्स्ट टाइम आप इसको सीख रहे होंगे या तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंदी है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे ना इस मेथड को, तो भाई चुटकियों के अंदर में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे जो डिटरमिनेंट होगा। और डिटरमिनेंट अगर किसी को निकालना आ गया ना, तो ये समझ लो कि वो पूरे मैट्रिक्स का 30% में बोल रहा हूँ 30% चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, चलिए अगली बात करें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब करना क्या है कि जो लोअर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ में आते हुए जो आपने किया था उसमें से
जो अपर यानी कि जो नीचे से ऊपर गए थे उसका जो रिजल्ट आया था उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो यहाँ से क्या करोगे, लोअर माइनस अपर दैट इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने 24 निकाला, और जब हमने पिछले मेथड के थ्रू किया था जो आपका लॉन्ग मेथड था जो कॉलेज स्कूल के अंदर में किया था आप लोगों ने, उससे भी हमारा क्या रहा था 24 आ रहा था। तो भाई जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उससे करो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस ट्रिक के थ्रू जाओ, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना वो बड़े लेंदी लेंदी आएंगे, तो फटाफट आप लोगों को उनके आंसर निकालने होंगे, तो इस मेथड को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको एक चीज़ शो कर रहा हूँ अगले अगले पॉइंट पर चलने से पहले। डिटरमिनेंट के अंदर में उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने डिटरमिनेंट तो निकालना आ गया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैसे आप उसके ऊपर में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उन क्वेश्चन से एक बार डील करवा देता हूँ जो प्रीवियस पेपर में आए हुए। देखिए हमारे पास में पूरा कंपाइल्ड वर्जन है हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक वाइज कंपाइल्ड वर्जन है, प्लस में जितने हमारे पास में प्रीवियस पेपर है वो सारे हैं, वो भी सब लोग वही सब चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस की जाएंगी मैथमेटिक्स को लेके, ए टू जेड जितना भी हमारे पास में सारा आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाएगा, एंड ऑल्सो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के साथ में जो पेपर है आए हुए हैं पिछले बार के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखिए जो हमारे पास में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कुछ हमारे पास में रैंक को लेकर हैं, ठीक है, जैसे रैंक का क्वेश्चन आया हुआ है एक मैट्रिक्स के अंदर में पढ़ेंगे हम उस रैंक को। फिर हम बात करें तो हमारे पास में कुछ यूनिक सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस को लेके आएंगे मैट्रिक्स के थ्रू कैसे उन सॉल्यूशंस को हम करते हैं। फिर और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आया हुआ है वो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग आया हुआ है, कैसे आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आया हुआ है वो भी हमारे पास में इक्वेशंस को लेके या फिर आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स को लेके है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन जो आया हुआ था वो हमारे पास में बना हुआ ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आप कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो मैट्रिक्स है वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के मैं कहूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपके मैट्रिक्स जो चैप्टर है, बार बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास में आइगन वैल्यूज़ को लेकर आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन आप तब आंसर कर पाओगे जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आप जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ ये दोबारा से मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, और वहाँ पर आप इनको करके देखना भाई सोल्व सारे क्वेश्चंस, वहाँ पर आप इनको सोल्व कर लोगे, ठीक है। फिर तुम्हारे पास में इक्वेशन सॉल्यूशंस के ऊपर में इक्वेशन डेवलप हो गया है। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ में डील करूँगा कि भाई जो हमारे पास में मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनको डिस्कस करते हैं। चलिए अब दोबारा से ये क्वेश्चन आप लोगों ने सारे देख लिए होंगे, आप लोगों को पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मैं दोबारा से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पर आता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में क्या है हमारे पास में, पहली जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कहता है कि कोई भी हमारे पास में एक मैट्रिक्स है मान लो ए है, उसका ट्रांसपोज कर दो। अब पहले तो आपको ट्रांसपोज समझ आना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मान लो मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर में ये ओरिजेंटली जो है वो रो है और ये मेरे पास में कॉलम है, इनको क्या करना है आपको रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना भाई, यानी कि इनवर्स उनको कर देना। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास में कॉलम था 1 2 3, इसको हम बना देंगे रो 1 2 3, फिर हम लिखेंगे जो दूसरा कॉलम हमारे पास में है इसको क्या बना दोगे 4 5 6, और तीसरा कॉलम 7 8 9, ये हमारे पास में क्या होगी एक ट्रांसपोज हो गया। तो ये क्या कहता है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये जो पांच छह प्रॉपर्टी आपको करवाऊँ ना बिल्कुल रट लेना, इनको घोट लेना, क्योंकि बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार मैं इनका यूज करूंगा, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। जो हमारे पास में ट्रांसपोज होता है उसका मॉडल, जो हमारे पास में डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल होता है जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास में ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, और जो हमने उसका भी ट्रांसपोज करके मैंने दिखाया था ना, रो को हम कॉलम में बना देते हैं और कॉलम रो में बन जाते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट और यहाँ पर जो ट्रांसपोज किया है उसका डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। कहाँ पर यूज होंगी, जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर में आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चंस को लेकर। दूसरा मैं बात करूँ, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई मान लो मेरे पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो ये जो वैल्यू होगी ना अगर ये तब भी वही आएगी सेम अगर आप इंडिविजुअली ए का पहले डिटरमिनेंट निकालो और फिर बी का डिटरमिनेंट निकालो और दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। इसका भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को अगले क्लास के अंदर में अगले लेक्चर के अंदर में अटेम्प्ट करवाऊंगा। तो ये प्रॉपर्टी पहली कौन सी, ट्रांसपोज इक्वल टू जो हमारे पास में मैट्रिक्स थी उसके डिटरमिनेंट के बराबर आएगी। दूसरी आप लोगों ने मल्टीप्लाई सीख लिया कि उसको इंडिविजुअली करेंगे तो भी सेम आएगा। फिर हम बात करें ए प्लस बी का, ए प्लस बी का जो हमारे पास में मॉडुलस है यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा कि अगर आप इनको इंडिविजुअली करके और जोड़ने की कोशिश करें, तो कभी भी मैट्रिक्स वन का मॉडुलस सॉरी डिटरमिनेंट और बी का जो डिटरमिनेंट है उनको आप इंडिविजुअली जोड़ेंगे तो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या कहती है हमारे पास में कि आपकी ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप लोगों को यूज करनी है,
ये कहती है कि भाई कोई भी मेरे पास में एक ट्रेंगल है या मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, अगर वो अपर ट्रेंगल है या फिर लोअर ट्रेंगल, अब कैसे समझेंगे अपर ट्रेंगल या लोअर ट्रेंगल को, आप लोगों को यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिख रही है, तो इसके अंदर में देखो डायगनल जो है उसके नीचे के तीन एलिमेंट क्या है, भाई जीरो है। अगर ये जीरो है तो जो ट्रेंगल है मतलब ये क्या होगी, लोअर जीरो बन रहा है तो ऊपर ऊपर में इसके एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि भाई जो भी हमारे पास में ऊपर ऊपर एलिमेंट्स बने हुए, तो ऐसी जब भी कोई भी आपके पास में मैट्रिक्स बनेगी तो भाई उसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली याद रखना, ऐसे केस के अंदर में जो भी डायगनल होते हैं उनके एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी वो हमारे पास में सेम आएगी। मैं आप लोगों के लिए एक टास्क देता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि जो भी मैंने मैट्रिक्स दी है और मैंने जो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक दी थी पीछे जो पढ़ाई थी मैंने, उससे इसका डिटरमिनेंट निकालना, और बाद में जब जो अभी मैंने ट्रिक बताई है इसको निकालने की तो वहां से इसके डिटरमिनेंट निकालना आप लोग। तो दोनों का क्या आएगा हमारे पास में, जो उस ट्रिक से निकालोगे तो भी 40 आएगा, और यहाँ पर जब निकालोगे 5 4 20 और 22 40, ये भी हमारे पास में क्या आया, सेम आया। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखनी है भाई, कि चाहे हमारे पास में लोअर आई अपर आई, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि ये जो है ना नीचे कुछ भी यहाँ पर हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यूज होंगी लेकिन ये और ये जीरो हो जाएंगे, तब भी आपको सेम याद रखना है कि हमारे पास में ऊपर के जीरो हो गए हैं, डायगनल के ऊपर वाले टर्म जीरो हो गई हैं, तो हमारे पास में लोअर ट्रेंगल है, तो यहाँ पर भी डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर निकलेगा। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग को ध्यान रखनी है, क्या है कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, उसके अंदर में कोई भी दो रो, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होते हैं यानी कि आइडेंटिकल होते हैं या फिर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनसे कुछ कॉमन निकाल लेते हो आप, मान लो ये मेरे पास में एक जैसे अगला मैं क्लास आएगी उसके अंदर में वो क्वेश्चन में डालूंगा, चाहे तो आइडेंटिकल हो या कोई प्रोपोर्शनल, जैसे आप लोग बात कर लो कि एक एलिमेंट है 2 3 2 3 और इसके अंदर में मैं डाल दूँ 6 डाल दूँ, और दूसरा मेरे पास में आ गया मान लो 4 4 6 और 12, तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल दूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा तो भी क्या बन जाएगी, ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स है क्या बन जाएगी, ये 2 3 और 6 बन जाएगी, यानी कि या तो प्रोपोर्शनल हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो या फिर सेम हो, तो उसके अंदर में वैसे जो होगी तो उसके अंदर में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो 6 9 8 6 9 8 दो रोज हैं, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो इसका जो हमारे पास में डिटरमिनेंट आएगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में एक पूरा रो या फिर कोई कॉलम या तो कोई हमारे पास में रो या ईच एलिमेंट ऑफ द रो इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, तो भाई ये एक छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के डिटरमिनेंट को लेके, अगर डिटरमिनेंट आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आगे का जो चैप्टर है मेरे को पढ़ाना बहुत ईजी हो जाएगा, वो 4 5 प्रॉपर्टीज और हैं, जो वो कंसेप्ट आएगा वो तो उनके साथ साथ मैं आप लोगों को डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो भाई जुड़े रहिएगा, और मैथमेटिक्स जो है आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो पूरा मैं शुरू करवा चुका हूँ और पूरा लास्ट तक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था डिटरमिनेंट को लेके, तो इन क्वेश्चंस को एक बार लगाइएगा, और जो मैंने आप लोगों को बीच में जो क्वेश्चन डाले गए हैं PDF आप देखेंगे प्रीवियस पेपर्स की, तो उनको भी एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी ने भाई पढ़ रखा है तो अच्छा, वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ रखा तो डीमोरलाइज नहीं होने का है, उनको हम आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चलेंगी आप लोग उनको क्लियर करते चले जाओगे, सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट करवा लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और भाई जो टेलीग्राम चैनल है अपना उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे कि कोई PDF डाला जा रहा है या फिर कोई भी हमारे पास में लेक्चर की अपडेट है वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।